उज्जैन नागझर स्थित शासकीय बाल गृह शुक्रवार को तीन बालक भाग गए हैं। बाल गृह के बाथरूम की खिड़की के ग्रिल तोड़कर बाहर बच्चे निकले। सूचना पर पुलिस और बाल गृह की टीम ने सर्चिंग कई जगह पर की है, लेकिन तीनों बालक नहीं मिले। नागझरी थाने में सहायक अधीक्षक द्वारा प्रकरण दर्ज करवाया गया है। देखिए, तीन बच्चे जो है यहाँ से संस्था से वॉशरूम की खिड़की जो है तोड़ के और कहीं निकल गए हैं, और 10 मिनट पहले ही मेरी उनसे बातचीत हुई थी और वो वॉशरूम जा रहे थे। अब चूँकि एक बच्चा कपड़े चेंज कर रहा था तो बच्चे जो अंदर थे रूम में, और वो कब खिड़की तोड़ के चले गए हमको पता ही नहीं चल पाया। और जैसे ही हम लोगों ने बच्चों को देखने के लिए भेजा तो पता लगा कि खिड़की टूटी हुई है, तब हमें पता लगा। 10 मिनट में ही फिर हम लोगों ने जो है हमारे यहाँ के स्टाफ के समस्त कर्मचारियों को बच्चों को ढूंढने के लिए भेजा और वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी। गृह से तीन बालकों के जाने की सूचना प्राप्त हुई है, उनकी फोटोज आदि लेके पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश की है की कर रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनको जल्दी से ही हम खोज लेंगे। देखिए, बाल संप्रेक्षण गृह से बालक भागने की घटना हुई है, लेकिन उनको दस्तियाब करने की भी घटना हुई है। ये कहीं चले जाते हैं, उनको वापस दस्तियाब करके उनको उसी सुधार गृह में भेजा जाता है और हम शीघ्र इन तीन बालकों को खोज लेंगे। बता दें कि बाल गृह से बालकों के भागने की पहली घटना नहीं है, पूर्व में भी बाल गृह से बालक भाग चुके हैं, कोई रात को तो कोई दिन में खिड़की तोड़ कर भाग चुका है। उज्जैन से मृदुभाषी प्रदेश के लिए अमृत भिंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।